हमीरपुर जिला के बोरंज में प्रवासी व्यक्ति को पत्नी और साले ने मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला 17 अगस्त का है, लेकिन मृत व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए खुलासे के बाद हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। आपको बता दें कि बोरंज के संभू के ताल में रहने वाले प्रवासी मंगल सिंह की उम्र 38 साल को पत्नी और साले ने आपसी कहासुनी के बाद मौत के घाट उतार दिया था। SP अर्जित सेन ने बताया कि पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दी है। हमीरपुर जिला के भोरंज में प्रवासी व्यक्ति को पत्नी और साले ने मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला 17 अगस्त का है, लेकिन मृत व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए खुलासे के बाद हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि भोरंज के संभू के ताल में रहने वाले प्रवासी मंगल सिंह उम्र 38 साल, पत्नी और साले ने आपसी कहासुनी के बाद मौत के घाट उतार दिया था। SP अरिजीत सेन ने बताया कि पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दी है। जानकारी के अनुसार भोरंज के संभू के ताल में पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद के मंगल सिंह, उसकी पत्नी अर्चना देवी और साला अंकित रहते थे और दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे थे। गत 17 अगस्त को किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान पत्नी अर्चना और साले अंकित ने मंगल सिंह के साथ मारपीट की, जिसके कारण मंगल सिंह की मौत हो गई। लेकिन बड़ी चालाकी से पत्नी और साले ने मंगल सिंह को भोरंज अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मंगल सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसमें इस मामले को घटना करार दिया, लेकिन आज जब मंगल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें हत्या का अंदेशा पाया गया, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। SP हमीरपुर अजित सेन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति मंगल सिंह की हत्या 17 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में इस बात का अंदेशा होने पर ही पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि पत्नी और साले ने मंगल सिंह की हत्या की है, इसलिए पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की है ताकि इनकी धरपकड़ की जा सके। पूरन लाल की शिकायत के ऊपर हमने ये मामला दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने अलेज किया है कि मंगल सिंह नामक एक व्यक्ति 28 वर्षीय जो यूपी कन्नौज के रहने वाले हैं, वो अभी फ़िलहाल शंभूताल भोरंज में रह रहे थे। तो 17 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो हमारे तथ्य सामने आए हैं, उसके हिसाब से ये एक मर्डर का केस लग रहा है और हमने इसमें टीम्स बना दी हैं और इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑनगोइंग है। सर, मर्डर में कौन कौन लोग हैं? ये अभी एक्विजिशंस हैं, एक बार एस्टेब्लिश जब हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ऑनगोइंग है तो हम और क्लैरिटी में बता सकेंगे। इसमें सर पत्नी और साले का नाम नहीं आ रहा है? ये एलिगेशन के हिसाब से वो हो सकता है, पर उसकी जो वेरासिटी है वो हमने कंफर्म करनी है। इन सब को कंफर्म करने के लिए जो हमने टीम्स बनाई है वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी हैं भोरन से, और हम उम्मीद है कि हम जल्द ही इसमें और जानकारी इसमें हम आपको दे पाएंगे। सर, कौन सी धारा? ये 302 में। सर, 17 को जब केस दाखिल हुआ था तब क्या उस टाइम भी पुलिस ने जो केस था उसको एक्यूज किया? नहीं, उस टाइम पोस्टमार्टम के बाद, ये क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन के जानकारी मिली है, तो इसके बाद से हमने ये एग्जैक्ट मैटर वो किया है, नेसेसरी धाराओं के अंदर पंजीकृत किया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।